वेलकम टू हरिकृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तेनाली नुआकर मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। भिडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपरोध। तो आसतु डिस्कस करवा रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, तो रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाबद आरंभ करवा डिस्कस आरंभ करवा। तो रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन रूरल डेवलप रूरल इकोनॉमी कि भाव में हॉर्टिकल्चर काम करुच्छे से बाबद देखा, प्लस ता सहित ये हॉर्टिकल्चर कि भाव गोटे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करुच्छे बाबद देखा। सो एज यू नो दैट हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ गार्डन प्लांट। विशेष करके गार्डन प्लांट उपर जो ब्रांच ऑफ साइंस विशेष करके डील करे से प्रकार स्टडी टाक आम कौन कौन हॉर्टिकल्चर बोले कही था। सो गार्डन प्लांट्स मीन्स जदि आम देखा जे मे बी फ्लावरिंग प्लांट्स हेपर, वेजिटेबल प्लांट्स हेपर, फ्रूट प्लांट्स हेपर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हेपर, एंड आउ कौन हॉर्टिकल्चर ना प्लस ता सहित आम प्रिजर्वेशन को मध्य बुझाए। तेणु इट अल्सो इनक्लूड्स सेटिंग ऑफ गार्डन्स एंड लैंडस्केपिंग। देन आउ जदि कथा आम देखा, प्रथम कथा तो आम देखले जे विभिन्न प्रकार फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड तार प्रिजर्वेशन बाबद देखले। देन इट अल्सो सेटिंग ऑफ द गार्डन, गार्डन को किभ भाव में साइज कर रखा लैंडस्केपिंग कि भाव में कर सब बाबद हॉर्टिकल्चर टॉपिक सहित रिलेटेड रही था। तो बर्तमान आम देखा जी हॉर्टिकल्चर कि भाव में रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर रूरल डेवलपमेंट कि भाव में साहय कर रोल प्ले कर बाबद डिस्कस कर। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज विशेष करके देखा जदि जी इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द रूरल प्लानिंग। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। सो ऑफ इज रीजन, प्रत्येक रीजन रो जो कौन रही कि भाव में परिवेश रही कौन लैंडस्केपिंग रही इत्यादि से सब बाबद प्रथम तो जानवा दरकार। देन हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सेक्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चर हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मेकिंग इनकम एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज वेल एज द सब्सिस्टेंस ऑफ द मोस्ट विलेजर्स इन दिस एरियाज डिपेंड ऑन इट। जदि आम देखा प्रायतः विलेज मानक गाँ मानक विशेष करके डिपेंड करती सी मानने जो गार्डन कंडीशन जो थाए बा जो हॉर्टिकल्चरल प्रोसेस रे से माने जो जहाँ भी करके कौन कर डिपेंड कर। तेणु इन रूरल एरियाज हॉर्टिकल्चर हैज प्लेड ए ग्रेट रोल इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। सम ऑफ द पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द रीजन जदि आम देखा जे किसी किसी केस रे आमर हॉर्टिकल्चर मेन रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल फॉर देखा जे क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर हॉर्टिकल्चर इन द रीजन, गोटे एप्रोप्रिएट कंडीशन क्रिएट कर जोटा कि आम इकोनॉमी को इम्प्रूव करने हॉर्टिकल्चर इन द रीजन आउ कौन करे ना क्रिएटिंग इनकम फॉर द रीजन। से एरिया रे जो क्रिएट हो तो लोक से एरिया को कौन मैंने से एरिया रे किसी इनकम पाँच प्लस आउ कौन कर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट ये कौन करे ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करम जोगे पड़े लोक इनकम कर पंथा देख पड़े। सो क्रिएटिंग प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रीजन ये केस रे गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज मध्ये क्रिएट हो पड़े। आउ कौन ना क्रिएटिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड एडिक्वेट लैंडस्केप इन द रीजन ये केस रे कौन हुए ना फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो
एज ए हॉर्टिकल्चर एज ए प्लांट, तो इट ऑल्सो क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरमेंट एडिक्वेट लैंडस्केप इन द रीजन. सो इन रूरल एरियाज मेनली विशेष करके जब हम देखा मेनली राइस एंड पोलसेस आर कल्टिवेटेड विशेष करके राइस एवं पल्सेस जोटा कि डाली जाती है इत्यादि ये सब विशेष कर कल्टिवेट कराई था. सो लेस इंपोर्टेंट गिवेन ऑन कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. तो विशेष करके जब हम देखा ये केस कम इंपोर्टेंस दे था तुम फ्रूट वेजिटेबल फ्लावरिंग प्लांट में विशेष करके कम इंपोर्टेंस दे था बाकी राइस एवं पल्सेस में विशेष भाव से मैंने चाष कर था. सो मेनी एरियाज रिमेन वैकेंट ड्यू टू शॉर्ट रेनफॉल इफ फ्लावरिंग प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन दोज वैकेंट लैंड्स दे कैन प्रोवाइड मनी टू द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन. तेणु जो जो मेनी एरियाज प्रायत तो देखा जी आम जोगुड़ाक वर्षा दिनिया चाष हुए से सब एरिया से बिल गुड़ाक सब मानते खरा दिन सेमती पड़ थो तेनाब एरिया गुड़ाक कर फ्लावरिंग प्लांट्स वेजिटेबल फ्रूट आर कल्टिवेटेड इन दोज वैकेंट लैंड दे कैन प्रोवाइड मनी टू एम्प्लॉय. जो समय फाँका पड़ू तो से समय जी आम पुणि थे चाष कर तो ये तो प्राय देखा जी वर्षाटी धान वर्षारे जो वर्षा सीजन समय जो धान चाष है पुणी थे खराटी बेलू धान चाष हो तो सीटा से कंडीशन तो रोच प्लस जदि आम मेजर एमाउंट देखा जा प्राय बिल सब एमती खरा दिन फाका पड़ू जोटा कि से समय आम कौन कर विभिन्न प्रकार वेजिटेबल फ्रूट इत्यादि आम कल्टिवेट करके अनएम्प्लॉयड पर्सन को यूटिलाइज कर मनी आम प्रोवाइड कर सो दैट द इकोनॉमी ऑफ द रूरल पीपल विल इंक्रीज जहाँफल कौन हम ना से जगार जो लोक मानकर जो इकोनॉमीटा ग्रेजुअली इंक्रीज कर. सो इन द फॉलोइंग सम स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव हॉर्टिकल्चरल कंडीशन इन द रूरल एरियाज बर्तमान आम देखा जी रूरल एरिया कि भाव में ये हॉर्टिकल्चरल प्रोसेस रे कंडीशन रे से कि भाव में इकोनॉमी को आम इनक्रीज कर पारा. सो यूजिंग प्रथम कथा आसपा आम यूजिंग ऑफ अ स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर वी कैन प्रोड्यूस मोर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आम स्पेशलाइज टेक्निक यूज करवा जहाँफल कौन हो पार ना मोर मोर डेवलप हो पार कौन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स डेवलप हो पार लोक प्रोवाइड करहब देन नेक्स्ट से कौच यूज ऑफ यंग स्पेशलिस्ट जो आमर यंग स्पेशलिस्ट मानक विशेष भाव ये हॉर्टिकल्चर यूज करवा दरकार. सो वी कैन ट्रेन द यंग अनएम्प्लॉयड पर्सन कहीं जी आम देखा जी एज एज एजेड पर्सन जब आम देखा दो देर मैंने से मैंने बहुत ट्रेंड बेला कि यंग वन को यंग वन जदि मैंने कौन करेंगे ट्रेंड करेंगे तेल बहुत सारा से मित्रे कौन है ना मैंने बहुत सारा कथा से मैंने इजिली जापारे कि जदि जेनरेशन गैप रो तो भितर मे भी शिखाटा टी काठिकर पाठ हो पारे कि यंग स्पेशलिस्ट को यूज करवा तो से जानते सी समय से कौन मोटिवेशनल कथा कहवाप पड़ो कौन प्राक्टिकाली से कौन भ्यू देखापी पड़ो तो से इजिली हैंडओवर करते तेणु से केस यंग स्पेशलिस्ट को मानने कौन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन मानी ट्रेनिंग दवा दरकार. देन प्रोवाइड इरिगेशन टू मैक्सिमाइज वाटर एफिशिएंसी आउ कौन ना इरिगेशन प्रोवाइड कर इरिगेशन करवा दरकार जहाँफल मैक्सिमाइज वाटर एफिशिएंसी रहा दरकार वाटर से मानी अवेलेबल रहा दरकार इम्प्रूविंग द एफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी इन द प्रोडक्शन सेक्टर जब आम देखा जी जो प्रोडक्शन सेंटर रोच से आम जो प्रोडक्टिविटी एवं अफेक्टिवनेस कंडीशन टा रहा दरकार इम्प्रूव करवा दरकार जहाँफल ये हॉर्टिकल्चरल प्रोसेस इजी हो पार और लोक मानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट कर पार. सो आउ कौन ना सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो जगह चाष करा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्रॉप्स कल्टिवेट करा तो से पाखापाखी कोल्ड स्टोरेज गोटे निहाती रहा दरकार
ତାପରେ ବା ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଇ ମନେକର ଆଖୁ ଚାଷଟେ ହେଉଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ମନେକର କି ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟସ୍ର ଚାଷ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ରହିଲେ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାକୁ ବାହାରିବ ଯେଉଁ ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାରିବ ର ମେଟେରିଆଲ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯାଇପାରିବ ମନେକର ଟମାଟୋଟେ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିବା ବା ସସ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଟେ ଥିବ ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ଏରିଆରୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇପାରିବ ଇଜିଲି ତେଣୁ ବାଇ ଆଡ଼ପ୍ଟିଂ ହର୍ଟିକଲଚର ସଟନ୍ଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଦ ରୁରାଲ ପିପୁଲ ତେଣୁ ଏଇ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କଲେ ବା ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ପିପୁଲମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଇପାରିବା ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ବାବଦରେ ଯେ କେମିତି ହର୍ଟିକଲଚର ରୁରାଲ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟରେ ଏ ହର୍ଟିକଲଚର କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ଦେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ହର୍ଟିକଲଚର ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଡିଲିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ତ ଇ ତ ଆମେ କଥା ଜାଣିଲୁ ଯେ ଇ ବିଶେଷ କରିକି ଫ୍ରୁଟ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରହିଥାଏ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଡାଇଭର୍ସିଫାଏଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ନିୟରଲି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଜବ୍ସ ସେଟିଂସ୍ ଅଭିଅସ୍ଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ କେବଳ ଯେ ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ୍ସ ବା ଫିଲ୍ଡରେ ଯେ କରାହେଉଛି ତା ନୁହଁ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ତା'ର ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଲସୋ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସାରା ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସୋ ଦ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜବ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ସୋ ଜେନେରାଲି ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଇନ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହର୍ଟିକଲଚର ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଲ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି କ'ଣ କରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରିଷ୍ଟ ଯିଏ ବିଶେଷ କରିକି ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫ୍ଲାୱାର ବାବଦରେ ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷ କରାହେଉଥିବ ବା ତା'ର କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରାହେଉଥିବ ତ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରରେ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ସୋ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ହୁଇଚ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲିଏଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କିଣୁଛୁ ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ଲିଫ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଏଇ ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରିଷ୍ଟ ହୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ସଚ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ର ମେଟେରିଆଲ ଇନ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସେକ୍ଟର୍ସ ତେଣୁ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଯିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ମେଟେରିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବିଶେଷ କରିକି ତୁମର ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ର ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜ୍ ଏ ର ମେଟେରିଆଲ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ଅର୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ କସ୍ମେଟିକ୍ ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସୋ ଦ ପର୍ସନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରିଷ୍ଟ ସୋ ବାଇ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଅ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ
जो फ्लोरिकल्चर थ्रू रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो क्रिएट होची जी की मनकर ये पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर डिग्री कर थी वो तांको पई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहूची जोटे कि प्राइवेट सेक्टर ही प्राइवेट सेक्टर सहित तो, गवर्नमेंट सेक्टर भी इकोस रे रोल प्ले कर देन नेक्स्ट आम आसवा नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट बाबद जी कथ कह दैट इज ओलेरी कल्चरिस्ट ओलेरी कल्चर जोटा कि आम बुझू कौन ना वेजिटेबल कल्चर बाबद बुझी था तेणु ये केस्रे भी मत जो ट्रेंड होता दरकार डिग्री जब पाई तेल पर्टिकुलरली से बाबद ट्रेंड होते कौन कह ना ओलेरी कल्चरिस्ट बोली कह सो दोज हु परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग आर नोन एज ओलेरी कल्चरिस्ट तेनाली कौन कह ना ओलेरी कल्चरिस्ट जी कि विशेष करके वेजिटेबल ग्रोइंग विशेष भाव में ट्रेंड होते सो वेजिटेबल ग्रोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल कंडीशन वेजिटेबल जो प्रोड्यूस होटा जब हॉर्टिकल्चर देखा दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड मेन ब्रांचेस देन ओलेरी कल्चरिस्ट कैन स्टार्ट देयर करियर इन इंडस्ट्री जो मैंने ओलेरी कल्चरिस्ट से करियर इंडस्ट्री रे रिसर्च इंस्टिट्यूट्स यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एट वेरियस लेवल तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे यूनिवर्सिटीज रे रिसर्च यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज ये सब केस करियर भाव में स्टार्ट कर सो दीज पर्सनस आर मोर रिक्वेर्ड प्रेजेन्टली इन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जदि आम देखा बर्तमान आवश्यकता एम बहुत मात्रा रोच बिकज आमपाई बर्तमान कौन वेजिटेबल्स बहुत मात्रा बहुत चाहिदा रोच बजार तेनालीर मैंने कौन जदि आम देखा एम जो विशेष भाव डेवलपमेंट जदि आम देखा वेजिटेबल्स केस्रे जोटा कि आम जो ये जो चाहिदा ये को मेंटे पार तेणु ये गला ओलेरी कल्चरिस्ट बाबद नेक्स्ट आम आसवा दैट इज पोमोलोजिस्ट एज ए पोमोलोजी आम जानचु दैट इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर व्हिच फोकसेस ऑन विशेष करके आमर फ्रुट्स विशेष करके ध्यान दूसरा तेणु हॉर्टिकल्चर ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर व्हिच फोकसेस ऑन द कल्टिवेशन प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड वैल्यू विशेष करके आप फ्रूट उपर विशेष करके ये ध्यान दौले सो फ्रूट प्लांट्स आर नोन एज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स विशेष भाव में तेणु आम जानचु जो फ्रूट रे विशेष मात्रा रे कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स प्रोटीन्स एंटीऑक्सीडेंट ये सब बहुत मात्रा रे थाए तेणु टू सप्लाई ऑल द पर्सन्स फॉर फ्रूट थ्रू रे जब आम कौन करवा ना विभिन्न प्रकार विटामिन प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि प्रोवाइड करने चाहिए तेल ये केस्रे जब आम बहुत सारा रोल प्ले कर किए ना सी होती पोमोलोजिस्ट सो इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट फ्रूट इंडस्ट्री प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेनी कंट्रीज इकोनॉमी मेकिंग पोमोलोजी स्पेशली वाइटल तेणु जदि आम देखा फ्रूट विशेष भाव ड्राए मैंने ड्राए फर्म तो विशेष भाव से आम यूज करें जोटा कि आम इज ए फ्रेश फर्म आम मैंने प्रोवाइड करते तेणु इट इज ए स्पेशली पोमोलोजी स्पेशली वाइटल कंडीशन सो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ द पोमोलोजी इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड फ्रूट कल्टिवेटर्स तो सब कष्टिया कथा जब आम देखा पोमोलोजी रे से जो हाइब्रिड फ्रूट विशेष करके प्रोड्यूस करवा सो जनरली पोमोलोजिस्ट आर वेल एक्वेंटेड विथ ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी तेणु से जो मैंने पोमोलोजिस्ट तो से विशेष करके जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस प्लस तहत टिश्यू कल्चर टेक्निक सहित से रिलेटेड रही था एक्वेंटेड होता प्रायत देन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन टेक्निक्स ऑफ फ्रूट्स इन दिस फील्ड देर इज वाइड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट आउ ता छड़ा जी केवल जो जो पोमोलोजिस्ट फ्रूट फ्रूट बाबद विशेष करके ट्रेंड कले व्यतिरिक आउे कौन करेंगे ना सी न्यूट्रिएंट जो क्वालिटी रोचे से कमी तार इनग्रेडिएंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे कल्टिवेशन टेक्निक्स को किभली भाव में प्रोटेक्ट करहब तो ये सब बाबद जोटा कि
ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖାଉ, ତ ତା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଇକି। ଦେନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ, ଭେରିୟସ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଜାମ୍, ଜେଲି, ସ୍କ୍ୱାସ୍, ପିକିଲ୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସୁଥିବ, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକ ସବୁ ତ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ ସବୁ ପର୍ସନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତିକି ପିକିଲ୍, ଜେଲି, ଜାମ୍ ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବ। ସୋ ମେନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମେନି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ବିନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫାନ୍ସିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ। ମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବା କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ସୋ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାମ୍ପ୍ଲିଂ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ବାହାରିଲା ମନେକର ବା ଫ୍ରୁଟ୍ ବାହାରିଲା ବା ସାପ୍ଲିଂସ ବାହାରିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ ବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ଅ ଫ୍ରୁଟ୍। କିଏ ଯଦି ବଜାରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କିଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବିକ୍ରି କରୁଛି, କିଏ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବିକ୍ରି କରୁଛି, କିଏ ଫ୍ଲାୱାର ବିକ୍ରି କରୁଛି, ବା କିଏ ମଧ୍ୟ ଚାରା ଗଛ ସାପ୍ଲିଂ ଚାରା ଗଛ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଯଦି ଆମେ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ସିଏ ବି ଜଣେ ମନେକର ଜଣେ ଯେ ଚାଷ କରିକି ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ସିଏ ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଦିନରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷୀ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ବି ଲୋକେ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ସେ ପାଇଁ ବି ଜଣେ ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଦୋ ଦେ ଏ କ୍ୟାନ୍ ଆର୍ନ ଥ୍ରୁ ମନି ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି। ସୋ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏଟ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଦସ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଦ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ୍। ସୋ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେସ୍ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ୱାନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ରୁରାଲ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ସୋ ସିଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏନ୍ ଏମର୍ଜିଂ ଫିଲ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆର୍ନ ମନି ବାଇ ସେଲିଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ସ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଦେନ୍ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର।